स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले मैंने रिफ़्लेक्शन बाय मिरर्स उसका प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उनके रे डायग्राम्स भी मैंने डाले हुए हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं राजेश चौधरी क्लासेस से। अभी इसमें मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी रिफ्रैक्शन टॉपिक का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना है उसके लिए यहाँ पर कुछ ब्रीफ में बता देती हूँ मैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, अगर आपके पास दो ही लेंसेज हैं, डबल कॉन्केव और डबल कॉन्वेक्स ही आपके सिलेबस में है, तो ये ध्यान रखेंगे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव। ठीक है, अगर आप इसको मिरर से कंपेयर करें तो कॉन्केव मिरर में भी F नेगेटिव था, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव लेंस में F नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सेम हो गया मिरर और लेंस के लिए। U हमेशा नेगेटिव होता है, U चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये रूल है कि हम रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के या लेंस की लेफ्ट साइड में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद इमेज, अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं, 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है लेंस के तब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड होती है, तो इसलिए नेगेटिव होगा। और रियल इमेज लेंस के राइट साइड में होती है, अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट के, तो वो पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव लेंस में हमेशा 2 ही केसेस होते हैं कॉन्केव में, जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो नेगेटिव क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये तो क्लियर हो गया, ये टेबल क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा आपको? आपको जस्ट कार्टेशियन प्लेन में जैसा रूल्स यूज़ करते हैं वही रूल्स हमें लेंस में यूज़ करने हैं। जैसे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो कि कार्टेशियन प्लेन का ये ओरिजिन है, तो ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है उसको अगर आप कार्टेशियन प्लेन से कंपेयर करें तो ओरिजिन, ठीक है, इस साइड की डिस्टेंसेस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक्स में इस साइड डिस्टेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में जितने भी डिस्टेंस होंगे नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव। क्लियर, तो यही हम यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसमें हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इज 1/v - 1/u = 1/f। v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे हम v/u दैट इज इक्वल टू h' अपॉन h। h' इज हाइट ऑफ इमेज एंड h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में इसको h' अपॉन h' भी लिखते हैं। वन एंड द सेम थिंग, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिरर से कंपेयर करेंगे तो मिरर में यहाँ पर -v/u होता है, मिरर में मैग्निफिकेशन -v/u = h' अपॉन h होता है और लेंस में v/u प्लस में इक्वल टू h' अपॉन h। ठीक है, साइन वही जो मैंने अभी इससे पहले टेबल बनाई थी वो सब हम यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन लिखें, सोचें, सॉल्व करें और फिर उसके बाद आप मेरे आंसर से चेक कीजिए। ठीक है, तो शायद सबने ट्राई कर लिया होगा। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। द डायग्राम बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट ओ एंड इट्स इमेज आई। ऑब्जेक्ट और इमेज दिया हुआ है। कैसा लेंस है? सबसे पहली बात, ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमारा जैसा आई लेंस होता है वैसा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, तो व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, हो गया क्लियर। नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो कहाँ पे हमें मिलती है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। क्लियर, नेक्स्ट, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। तो चलिए अब इस लेंस की जगह हम लगा लेते हैं कॉन्केव मिरर। इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ f, ये फोकल लेंथ f एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया? एट अ डिस्टेंस f/2। जस्ट इसके हाफ प्ले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो पहले रे डायग्राम बना लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इमेज कैसी बनेगी। अब हम क्वेश्चन तो लेंस का था लेकिन इसमें मिरर का क्वेश्चन भी आ गया है, एक पार्ट है, तो इसको क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन है यहाँ पर तो हमें दोनों ही करना पड़ेगा। देखो अगर मिरर में कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करता है फोकस पे, कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को और फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो रूल फॉलो करेंगे फिर, लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बना लें इसका, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इज इन बिटवीन एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, ठीक है। तो रूल, एक और रूल रे डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करते हैं कि अगर लाइट रे passes through center of curvature then it retraces its path, reflection के केस में। तो अगर light ray तो क्या होगा, अब देखो ये ऐसे गई है, ठीक है, अब वापस क्या होगा, ऐसे जाके इंसिडेंट होके वापस से सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो लाइट रेस तो यहाँ पर मीट नहीं हुई है, दूर जा रही है, ठीक है, लाइट रेज यहाँ मीट नहीं हुई है, मतलब इनको हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना है, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी कैसी है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई है, इसलिए वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई इमेज की, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो बिना रे डायग्राम के अगर आपको रे डायग्राम माइंड में आप समझ में आ जाता है तो आप लिख सकते हैं और रे डायग्राम से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का ही सेम पेपर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपने देखा है सबने, कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, दिख रहा है सबको कुछ खास इसमें? ये है मैग्निफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स है ना, पढ़ाया था, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस, ठीक है। इससे हमें कैसी इमेज मिलेगी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम, द पामिस्ट यूज अ स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस। तो कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। स्टेट द नेचर ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल जाता है, एनलार्ज्ड इमेज। पर्पस क्या होगा इससे यूज करने से? हमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज मिलता है, इसलिए पामिस्ट इसको यूज करते हैं। वेयर शुड द पामिस्ट प्लेस और होल्ड द लेंस सो एज टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम चाहते हैं, पामिस्ट चाहते हैं कि उनको रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिले, ठीक है, पर कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस करो। अब कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के, और एक केस होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा रियल इमेज, तो रियल इमेज में कब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? वेयर शुड द पामिस्ट प्लेस और होल्ड द लेंस टू हैव रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज के लिए कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखें? अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड 2F1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, हम रूल फॉलो करते हैं, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट रूल हम फॉलो करेंगे, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। तो देखेंगे रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ मीट हुई है, यहाँ पर, तो आपको कैसे, लाइट रेज एक्चुअली में मीट हुई है, इसलिए रियल इमेज, और आप देख सकते हैं ये मैग्नीफाइड भी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है कहाँ पे हम लेंस को रखें, where should the palmist hold the lens between 2f1 and f1 to get real and magnified enlarged image। clear? इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट करते हैं. इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे इस डेटा को यूज करते हुए. इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. यू हैव टू फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. तो सबसे पहले साइन लगाएंगे. एफ कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में एफ पॉजिटिव होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था. U इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्केव कॉन्वेक्स कुछ भी, U इज ऑलवेज नेगेटिव. ये रूल है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड से लेते हैं लेंस या मिरर के. ठीक है, अब हम लगाते हैं मिरर लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f. आपको v फाइंड करना है तो 1/v = 1/f. इसको यहाँ ले जाएंगे राइट साइड में प्लस 1/u. सॉल्व करते हैं 1/f प्लस 1/u इज -5. ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. सिंपल कैलकुलेशन है, -1/10. सो 1/v आपको मिल गया. 1/v इज इक्वल टू -1/10. दैट मीन्स v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. तो पोजीशन हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर. -10 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हुई है. ठीक है, तो पोजीशन इज -10 सेंटीमीटर एंड साइज. अब साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. मैग्निफिकेशन इज v/u. v है -10, u है -5, सो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 2. सो साइज इज 2 टाइम्स, इमेज इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. सपोज इसमें अगर इन्होंने बोला होता रे डायग्राम बनाओ, इस केस का जो थर्ड सिचुएशन है, अगर इन्होंने बोला होता कि आप इसका रे डायग्राम बनाओ, तो वो भी मैं एक बार बता देती हूँ. हम डेटा लिख लेते हैं. v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन 2 हमें मिला. ठीक है, अगर रे डायग्राम भी पूछा जाता तो क्या करेंगे हम. कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है. This is O, optical center, center of the lenses, optical center. This is principal axis, focus, then center of curvature, F2 and here 2F2. देखो यहाँ दिया है the focal length is 10 centimeter means ये distance 10 centimeter और object कहाँ पर है 5 centimeter distance पे. तो object को हम लेते हैं जस्ट इसके बीच में 5 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे. ठीक है, अब हम रूल फॉलो करते हैं. अगर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा सही करें. देखो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन आने वाली है, लेकिन हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हो तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, इस साइड पे बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज. ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्ज करना है अपने को, तो हम ये डाइवर्ज करते हुए दिखाते हैं. ठीक है, तो इतना सा मैनिपुलेशन तो आपको खुद से करना पड़ेगा. अगर सपोज आपको प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, आपको टेबल याद होना चाहिए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब लाइट रेज कहीं मीट नहीं हुई तो इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे. बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, स्केल से बनाइएगा, स्केल पेंसिल से, तो ये इमेज कुछ बनेगी ऐसे. ठीक है, और इमेज की साइज है 2 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 2020 का ही है, सेट 3 से. क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और दूसरा क्वेश्चन है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू अ ग्लास स्लैब, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लाइट रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली. इसका हमें वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो पहले हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं. देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको समझने के लिए हम सेकेंड पार्ट भी साथ में करते हैं। इंसिडेंटल रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे तब रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडियम में होता है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। याद आ गया? रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, ग्लास टू ग्लास, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में। और रिफ्रैक्शन दो ट्रांसपेरेंट मीडिया होंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हमने एयर और ग्लास स्लैब लिया, ठीक है, और लाइट रे को अगर हम इंसिडेंट कराएंगे ऐसे ओब्लिकली, अगर लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे ओब्लिकली, और ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, इस पर अगर हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है, तो लाइट रे क्या होगा? ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी। जो ये यहाँ पे मैंने बनाया ये ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी। स्केल से बनाएंगे, पेंसिल स्केल से, ठीक है, क्या होगा? बेंडिंग हो जाएगी। तो पहले लॉ समझते हैं। इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, देन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइन द सेम वे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। ये है सेकेंड लॉ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो सेकेंड लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास ए पार्ट, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। चलो अब हम बी करते हैं, बी पार्ट। When a ray of light travels enters obliquely into a glass slab, तो एयर से ग्लास स्लैब में लाइट रे एंटर हो रही है। इसी को हमें पूरा डिटेल में रे डायग्राम बनाना है। जब भी लाइट रे, एयर इज अ रेयर मीडियम, वेन एवर लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, गैसियस स्टेट है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ये है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और ग्लास स्लैब में मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली पास पास होते हैं, तो दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास है तो स्पीड, लाइट की स्पीड को वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो लाइट रे क्या होगा? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, when it travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. Clear? इसके बाद क्या होगा? अब वापस से यहाँ पर फिर से चेंज हो रहा है, दो अलग अलग मीडियम है, ग्लास से एयर। अब इस पॉइंट पे हम फिर से नॉर्मल बनाते हैं। तो अब लाइट रे इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट ऐसे नहीं जाएगी, क्या हुआ? अब यहाँ पर डेंसर से वापस रेयर मीडियम आ गया, ग्लास स्लैब इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर, तो एयर डेंसर, ग्लास स्लैब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड वापस से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, ऐसे ना जाके क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर अगर हम नेम देते हैं, चलो ए बी सी डी, तो ए बी इज इंसिडेंट रे, इसको लिख लें, लेबल करना है, इन्होंने बोला है कि लेबल कीजिए, तो इसको लिख लेते हैं ए बी इंसिडेंट रे। बी सी इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड सी डी इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ठीक है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, and this angle is known as angle of emergence. Angle between emergent ray and normal is angle of emergence. ठीक है, और एक और खास चीज बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखोगे अगर इंसिडेंट रे को अगर आप एक्सटेंड कर दो डॉटेड लाइन से और इमर्जेंट रे को देखोगे तो क्या है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इमर्जेंट रेज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास लैब का पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं चाहे तो आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्रैक्टेड रे एंड सी डी इज इमर्जेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 का ही है ये। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन अपन बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो क्या होती है, इफ मीडियम इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या लिखा है यहाँ पर। सपोज ये मीडियम 1 है और दिस इज मीडियम 2, ठीक है। अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, ओब्लिकली। अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी ओब्लिकली तो नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने बताया, तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइट रे में बेंडिंग हो जाएगी इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो कि ये हमें नहीं पता कि मीडियम 1 और मीडियम 2 क्या है, अभी हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, स्ट्रेट नहीं जाएगी, या फिर उसमें बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर उसमें बेंडिंग हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। मीडियम 1 अगर रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 डेंसर है तो क्या होगा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, and if a light ray travels from denser to rarer medium it bends away from the normal, clear। तो यहाँ पे 2 medium की बात हो रही है, तो refractive index of medium 2, अगर ये medium 2 की refractive index की बात करते हैं with respect to medium 1 तो कैसे लिखेंगे, refractive index को n से denote करते हैं, कुछ जगह पर mu से भी denote किया जाता है, ऐसे भी denote किया जाता है, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं refractive index को n, small n लेटर, refractive index of medium 2 with respect to 1 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन दैट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो ये तो एक हो गया जनरल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है उसका, मीडियम 1 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 और मीडियम 2 का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम इसमें लेते हैं जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए हम लेते हैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और मीडियम 1 क्या है, एयर या वैक्यूम, मीडियम 2 हमें नहीं पता क्या है, अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो उसको कुछ नहीं लिखा हमने, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर अभी लिख लेते हैं पहले, वापस देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 क्या है, एयर या वैक्यूम, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। इसमें से अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है तो क्या होगा, फॉर्मूला रिलेशन हमें बताना है, एक्सप्रेशन बताना है, विद रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, सी, फिक्स वैल्यू है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू आप कई बार कैलकुलेशन में यूज करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी ले लिया। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस, राइट इट्स एक्सआई यूनिट। अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर -20 सेंटीमीटर. राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस. तो पावर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज. ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन. यहाँ आप ऐसा भी दे सकते हो, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए. तब पावर को लिख सकते हो 1/f और उसमें f है इन मीटर्स. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ की यूनिट मीटर. ठीक है, तो 1/f मीन्स मीटर रेज टू द पावर -1. ठीक है, तो ऐसा यूनिट है डायोप्टर डिनोटेड बाय कैपिटल डी. अब क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. साइन नहीं दिया हुआ मीन्स +40 मीन्स कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स. अगर नेचर पूछा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, और दूसरा है जिसकी फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर मीन्स ये नेगेटिव है मीन्स कॉन्केव लेंस है. ठीक है, अब आपको पूछा है नेचर, अच्छा नेचर पूछा है तो प्लस मीन्स कैसा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस, और माइनस फोकल लेंथ है मीन्स कॉन्केव लेंस. अब हमें निकालना है दोनों का पावर. पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें. 40 सेंटीमीटर मीन्स 40/100 मीटर. कैंसिल करेंगे तो 2/5 मीटर आया. ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा इसका? 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर दो, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. तो क्या हो जाएगा 2/5 का 5/2 दैट इज 2.5 डायोप्टर. तो ये हो गया इस लेंस का पावर. नेक्स्ट, अगर फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर, उसको हम कन्वर्ट करें पहले मीटर में तो कितना हो जाएगा? 1/5 मीटर. पावर कितना होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ? तो रेसिप्रोकल कर दो, -1/5 का रेसिप्रोकल -5 डायोप्टर. पावर आ गई -5 डायोप्टर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट.